अभी एक नंबर की कमाई बताता हूं, दो नंबर की तो भाई साहब बता ही रहे हैं पीछे से बार बार। दिल्ली सरकार ने एक साल में 3,580 करोड़ रुपए की कमाई की है, 3,580 करोड़ रुपया एक साल में कमाया है दिल्ली सरकार ने ऑफिशियली एक नंबर का, दारू से, दारू की बिक्री से। पिछले बार की तुलना में 600 करोड़ रुपए की आमदनी एक साल में बढ़ गई है इनकी। चलो जी बताइए, 600 करोड़ रुपए कमा लिया आपने, इसमें से कितना पैसा आपने दारू रोकने के लिए खर्च किया? मद्य निषेध विभाग है इनका, कितना पैसा खर्च किया पूछा हमने? 600 करोड़ रुपए ज्यादा आ गए? डी एडिक्शन क्लिनिक दो खोल दो, वायदा करके आए थे कि डी एडिक्शन करेंगे दिल्ली में, एक साल में एक भी नई डी एडिक्शन क्लिनिक नहीं खोली है। 600 करोड़ की एक्स्ट्रा इनकम हो गई, 60 करोड़ कम से कम दारू कम करने पर लगा देते, 6 करोड़ लगा देते। इससे पहले की कांग्रेस सरकार जो थी बहुत खराब काम किया था उसने, उसने 4.5 करोड़ रुपया खर्च किया था दारू रोकने पे, इन्होंने 1 करोड़ भी नहीं किया। दिल्ली में इससे कम खर्चा दारू रोकने पे आज तक कभी नहीं हुआ जितना कि पिछले एक साल में। इस करके शर्मिंदगी होती है मुझे, शर्मिंदगी होती है कि नशा मुक्ति का दावा करने के बाद जो सरकार पावर में आई उसने इस तरह के काम किए। लेकिन मैंने कहा सिर्फ दुख और शर्म नहीं होता, मुझे उम्मीद भी बनती है। उम्मीद इसलिए बनती है कि इस मीटिंग में इतनी संख्या में महिलाओं ने योगदान किया, महिलाओं ने लीडरशिप ली आज की मीटिंग ऑर्गेनाइज करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात बहन जी, परेशान होता है आदमी, हिम्मत नहीं करते। क्या होता है हिंदुस्तानियों का मिजाज होता है घर बैठ के कंप्लेन करना, बहुत खराब हो गया जी, बस जी आप कुछ कर दो, बहुत बुरा हो गया यादव जी आप कुछ करो। पुरी साहब ने कुछ बोला था शुरू में आके, पुरी साहब बोले थे ना बैठ के यहां पे, सूरी साहब उन्होंने एक बात बोली मेरे को बहुत अच्छी लगी, पता नहीं हमारे साथियों को अच्छी लगी होगी नहीं। उन्होंने कोई स्वराज अभियान का धन्यवाद नहीं किया, उन्होंने कहा कि हमें किसी की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत अच्छी बात लगी सूरी साहब, बड़ी हिम्मत की बात है वो। आप जिस तरह से आज इकट्ठी हो गई हो, आपको किसी स्वराज अभियान की जरूरत नहीं, आपको किसी और की जरूरत नहीं है, आप आगे हम लोग पीछे खड़े होंगे और आप देखना आपकी जीत को कोई रोक नहीं सकता इस हिम्मत के साथ। आपकी जो एकता है, बस अपनी एकता ना टूटने पाए, जिस हिम्मत और एकता से आज आप यहां पे आई हैं, आप इसको थोड़ा सा समय सस्टेन करके रख लीजिए, किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वह आपके मोहल्ले में आपकी नाक के नीचे ऐसा कोई काम कर सके। आप सब आ गई हैं, मुझे वहां पुलिस के भी दिख रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिपाही वहां के भी दिख रहे हैं कि अजी आमतौर पर आया करते हैं यहां पर जब आप तंग हो रहे होते हैं तो। पुलिस वालों ने इनको कहा कि आप अपने बच्चों को समझा लीजिए, जब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है तब आते हैं, जरा हाथ उठा के बताइए कि पुलिस वाले आपकी मदद के लिए आते हैं। आपने बताया था 5,000 महीने दिन की, 5,000 दिन का मामला है। एसएचओ फोन करके कहता है वहां पे किसकी ड्यूटी है, उससे कह दे मैं आ रहा हूँ, और उसको फोन करता है हम आधे घंटे बैठे रहते हैं, वो यहाँ से सबको भगा देता है। तो देखिए एसएचओ आपकी झूठे हम बच्चे, आपकी हिम्मत से दो काम हो गए जी, एक तो ये बोर्ड हट गया यहाँ से एक दिन के लिए। बिल्कुल ठीक बात है, आपने भी एक ही दिन हिम्मत करके दिखाई है, अभी आप अपनी हिम्मत बढ़ाइए वो भागेंगे, और हमारे पुलिस वालों को यहां का रास्ता भी पता लग गया, बधाई हो, स्वागत होना चाहिए, तालियां उनके लिए, इन्हें रास्ता दिख गया यहां का, बहुत अच्छी बात है। आज हमारा नाम सुन के आए हैं,
अगली बार हो सकता है आपकी सेवा करने आ जाएं, ये भी साधारण घर के बच्चे हैं, थोड़ा सा इनको भी शर्म होगी, इनके घर में भी माँ बहन है, इनको भी बुरा लगेगा, बहुत जरूर आपकी सेवा करेंगे ये लोग। तो मेरा अब आपसे केवल एक छोटा सा अनुरोध है, आपने बहुत अर्जियां लिख ली, आपने बहुत हिम्मत कर ली, आप ये सहाय इकट्ठे हो गए, अगर इतना सब कुछ करके मामले को छोड़ दिया फिर दोबारा यहां तक पहुंचने में फिर कई महीने लग जाएंगे, तो अगर आपको ठीक लगता हो और अगर आप सब ये करने को तैयार हो, मैं आपको साफ बता दूं स्वराज अभियान के साथ ही आएंगे, आपके साथ रहेंगे, आपका सहयोग देंगे, लेकिन हिम्मत आपकी है, आपकी हिम्मत नहीं होगी तो कोई स्वराज अभियान वाले बाहर से आके आपकी लड़ाई लड़ नहीं सकते, लड़ाई आप लड़ेंगे, हमारे साथी सहयोगी आपके साथ खड़े होंगे, आपको लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, आपको इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, पॉलिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, मीडिया में बात को लेके जाएंगे, लेकिन लड़ाई आपको लड़नी है। तो मेरा एक सुझाव है कि यहां एक प्रस्ताव पारित करें और प्रस्ताव पारित करके बिल्कुल शांतिपूर्वक तरीके से हम यहां पे जाएंगे इस ठेके पे, सब लोग यहीं पे जाएं और इन्हें बताएं आज सिर्फ नोटिस सर्व करने आए हैं, कल से दुकान बंद होनी चाहिए। आप सहमत हैं मेरी बात से? हाथ खड़ा करके बताइए कितने लोग इस प्रस्ताव से सहमत हैं। सर आप लोग सहमत हैं? आप लोगों की किए होगा, बिल्कुल। तो फिर हम सब चलेंगे, एकदम शांति से रहेंगे, अनुशासन में रहेंगे, कोई बदतमीजी नहीं करेंगे, हम इनकी बदतमीजी के शिकार हैं, वो बदतमीजी करके हम इनके लेवल पे नहीं आएंगे, हम अपने लेवल पे रहेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, नोटिस देंगे और बताएंगे कि कल से ये ठेका बंद होना चाहिए, नहीं तो कल से हम यहां पे उसके सामने आके बैठ जाएंगे। मंजूर है आपको? और जितनी महिलाएं अभी हैं सबको और जोड़ना होगा, और महिलाओं को जाके बताना होगा बहन जी ये किया है, और सबको समझाना होगा, एक बार हिम्मत करके धक्का लगा दें ये बंद हो जाएगा, इस बार ढील रह गई तो फिर हमेशा की ढील रह जाएगी, पक्की बात। तो आप सब यहां पे आए, आपने हिम्मत से अपनी एकता का प्रदर्शन किया, और यही स्वराज है। स्वराज ये नहीं है कि कोई स्वराज अभियान वाले हैं जो बाहर से आएंगे कुछ कर देंगे, स्वराज यही है जैसा सूरी साहब ने कहा, हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद इकट्ठे हो गए, हम खुद संघर्ष करेंगे। और मैं आपको बता दूं, कल से ये कार्यक्रम सिर्फ विकासपुरी में नहीं हो रहा, संयोग से 11 तारीख की डेडलाइन हमने कई जगह पे दी है, सब जगह पे दिया था, दिल्ली सरकार को कहा था कि जनता यहां पे खिलाफ है, 11 तारीख तक बंद करवा दो आप, नहीं तो हम यहां पे एक रेगुलर अपना धरना प्रदर्शन संघर्ष शुरू करेंगे। तो आप यहां विकासपुरी में शुरू करेंगे और आप देखना दिल्ली में कई इलाकों में कल ये संघर्ष शुरू हो रहा है, हम अकेले नहीं है, सब लोग मिलकर करेंगे और दिल्ली में ये मजबूर करके रहेंगे सरकार को, इनके आकाओं को, कि जहां जहां जनता नहीं चाहती वहां वहां शराब के ठेके बंद होके रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं उतनी चीज कहूंगा जो चीज हम अभी कर पाएंगे, जो एक आंदोलन का हिस्सा है, बिल्कुल आप सही कह रही है, वर्कशॉप भी बंद होनी चाहिए, और अगर वो रंगीला पान या जो भी है उसके अंदर इस तरह की चीजें बिक रही हैं, तब तो ये तो बहुत ही खतरनाक किस्म की चीज है, और उसके ऊपर भी आपको करना होगा, लेकिन हमेशा आप एक बड़ी चीज पे चोट कर दीजिए, बाकी तीन बीमारियां अपने आप निकल जाएंगी, हिम्मत से एक चोट कर दीजिए, बाकी चीज अपने आप।